नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। एनडीए जो है पूर्ण बहुमत के साथ 125 सीटें एनडीए को आई है, 125 सीटें एनडीए को मिली है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट कर रह गई, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। आपको याद होगा एग्जिट पोल के अनुसार देखा जा रहा था, लगातार कयासें लगाई जा रही थी, एग्जिट पोल में साफ हो गया था कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। लेकिन नतीजे बिल्कुल विपरीत आए। एनडीए 125 सीटों पर विजय हासिल कर विजय हुई, लेकिन उसके बाद जो है पूरे बिहार में, बिहार के राजनीतिक महकमे में एक हरकंप सा मच गया। हरकंप मचा किस संदर्भ में हम कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं। महागठबंधन के तमाम जो वरीय नेता हैं, तमाम वरिष्ठ नेता हैं, रिजल्ट के बाद लगातार एक तरफ एनडीए बीजेपी खेमे में देखें या जदयू खेमे में देखें, लगातार खुशियों का माहौल जो है बन गया था, और दूसरी ओर महागठबंधन लगातार चुनाव आयोग से बात कर रही थी, लगातार चुनाव आयोग में जा रहे थे। वहां पर कई सारे नेताओं का बयान भी आया उसके बाद कि ईवीएम हैकिंग हुई है, ईवीएम घोटाला हुआ है, इन सभी चीजों का जो है, इन सभी बातों का जो है दौर शुरू हो गया। सभी आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे कि कहीं ना कहीं इस बार ईवीएम घोटाला हुआ है। लेकिन अब जब एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ 125 सीटें जो उनको मिली है, अब उनकी सरकार बन चुकी है, लेकिन एनडीए में सीएम कौन बनेंगे इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन अभी भी अपनी सरकार बनाने की योजनाओं को लेकर सोच रही है। सरकार उनकी अभी भी बनेगी इसको लेकर आश्वस्त हैं, लगातार बातें सामने आ रही है। इस बीच जो है एक खबर आ रही है जो कि गिरिराज सिंह से संबंधित है। गिरिराज सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है महागठबंधन हारने के बाद भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि महागठबंधन हारने के बाद भी जो है सरकार बनाने की बातें कह रही है, दावा कर रही है कि उनकी सरकार अभी भी बनेगी। तो उसी पर गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया है, लिखा है महागठबंधन हारने के बाद भी सरकार बनाने का दावा कर रही है, पुराने आंकड़े से भी नीचे चले जाने के बाद, ध्यान दीजिएगा, पुराने आंकड़े से भी नीचे चले जाने के बाद भी यही विकल्प क्यों। जी हाँ, तो एक सवाल करते हुए गिरिराज सिंह ने एक पोस्ट किया है और बड़ी बात कही है। महागठबंधन जब अब हार गई है, एनडीए जीत गई है, एनडीए को 125 सीटें मिली है और महागठबंधन को 110 सीटें मिली है, जो कि पिछले आंकड़ों के मुताबिक उससे भी कम है, इसके बावजूद महागठबंधन यह विकल्प क्यों चुन रही है, गिरिराज सिंह का सवाल है। और साथ ही हारने के बाद भी अब वो सरकार बनाने की दावा कैसे कर रही है, बड़ा सवाल है और बड़ी बात है, गिरिराज सिंह ने कहा है। तो महागठबंधन को लेकर ये बड़ी बात, लगातार जब हार चुके हैं महागठबंधन, लेकिन उसके बाद भी अब सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, वो आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।